भाई गांव वाले बड़े सस्पिशियस से हो रखे हैं मेरे को देख के। अच्छा ऐसे सोचता है हम बच्चा उठाने वाला होगा। तो इसके अंदर नीचे दलदल जैसा कुछ है, ये मिट्टी। भाई कुछ ऐसा सस्ता पकड़ा गया यार, लाल जूरे के लिए कोई नहीं दिख रहा, पूरा सोना पड़ा है। भाई सुअर तो पैक किए इसके अंदर दिख रहा होगा। त्रिपुरा कहने को ट्राइबल स्टेट है, लेकिन जितने भी बड़ी सिटीज हो गए यहाँ पे आपको सिर्फ बंगाली मिलेंगे। कितना ओजन आ गए हमें चले देंगे उठा देगा देख उठाना फिर क्या होगा। आह 20 किलो 25 हां 25। इस गांव का नाम क्या है? नाम बस्ती नाम बंजीपारा। अब हम उठाता यहां से कंचनपुर कितना दूर बसता? 20 किलोमीटर। सबसे पहला गांव कितना किलोमीटर पे है? उधर से 2 किलोमीटर से और एक छोटा सा गांव मिलेगा। अच्छा हम पूछ रहे हैं बीच में गांव कौन से आएंगे अगर कोई गाड़ी वगैरह ना मिलेगा? इसमें कोई पहाड़ी है कोई गांव नहीं है खास। और गाड़ी जो है वो रास्ते में आधा घंटा एक घंटा में एक जगह मिलता है। अच्छा मिलता रहता है। कंचनपुर जाता ठीक है दादा बाय बाय। जनता आप क्या ट्राइबल बोलते हैं? ट्राइबल कौन सा? रियांग। यहाँ पे मैं अभी पैदल पैदल जाने का सोच रहा था तो ऊपर ये किस चीज का ऑफिस बना है? त्रिपुरा स्टेट राइफल। उन लोगों ने मेरे को बोला कि आप पैदल मत जाओ सेफ नहीं है। यहाँ पे सेफ क्यों नहीं है? वो तो सेफ है हम लोग तो रोज आते जाते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार वो लोग ऐसे परेशान कर रहे हैं। सब ट्राइबल है और ट्राइबल भी अच्छे हैं ऐसा कोई बात नहीं है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। रात को नरेन भाई साहब के घर पे गया था तो वहाँ पे जाने के बाद शुरू में तो वो मतलब मेरे को एक्सेप्ट करने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन बाद में उस भाई से बात करवाने के बाद वो मान के खुश नहीं हुआ। मैंने सब कुछ उनको बता दिया वो भी समझ गए सब कुछ। लेकिन फिर रात को मेरे को आगे उठाते हैं यहाँ के जो त्रिपुरा स्टेट राइफल्स वाले बंदे हैं ये, तो वो लोग आए मेरा सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किया और उसके बाद अपना जो कैंप इलाका बना हुआ है वहाँ पे ले गए। फिर ये वाला जो रास्ता है यहाँ से मैं पहले पैदल जाने की सोच रहा था क्योंकि रास्ते में क्या पता कोई ट्राइबल गांव और मिल जाए तो मैं वहाँ पे जाने की सोच रहा था, लेकिन मेरे को बोला कि नहीं नहीं आपको पैदल नहीं जाना, रिस्क है यहाँ पे ऐसा होता है वैसा होता है। रिस्क यार कुछ भी नहीं होता, जितना ट्राइबल्स लोग अच्छे हैं उतना तो अच्छा कोई है भी नहीं पूरा में, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है सही में। बट जैसा कि अब यहाँ से मैं सोच रहा हूँ निकलने का। दादा फलेरा दुकान को उठाया वो सामने बाई तरफ से देखो सामने थोड़ा। अच्छा उधर होगा। थैंक यू दादा। तो पहुंच चुके हैं कंचनपुर ट्राइबल गांव वाला मैंने कैंसिल कर दिया यार, मूड ही खराब हो गया था रात को इतना। तो सबसे पहले तो खाना नहीं खाया यार मैंने, कुछ फल वगैरह खा लेते हैं यहाँ पे। फल तो खा लिया यार लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा अब जाना कहाँ है मेरे को। दादा हमको कहाँ जाना है? देख लो भाई नो वन हेल्प्स यू इन बैड टाइम्स। हो गया भाई एक सॉल्यूशन हो गया अपने आप ही हो गया। अभी क्या कि उस भाई का फ़ोन आया जिसने मेरे को वो ट्राइबल का फोटो भेजा था ना उस गांव में जाने के लिए, तो वो मेरे से पूछ रहा था क्या हुआ भैया एंजॉय किया बढ़िया? बोले हाँ बिल्कुल मज़ा आ गया आज तो पूरा। उसको मैंने पूरा स्टोरी बताया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो भाई थोड़ा सहम गया कि भाई के साथ क्या चल रहा है क्या नहीं। तो वो बोला कि मेरा एक फ्रेंड रहता है यहाँ पे, तो आप जहाँ पे बैठे हो काली मंदिर के सामने उसको बताया मैं बैठा हूँ। तो बोला कि वो स्कूटी लेके इधर ही आ रहा है। एक मस्त सी बात उसने क्या बोली कि उसका नाम शुदो है, शुदो आप उसको बोलना शुदो, और वो मेरा नाम लेना शुदीप तभी चढ़ना, मतलब कोड वर्ड के जैसे, और किसी के साथ मत चढ़ जाना। काफी डरा हुआ है वो बेचारा। दीदी इसमें क्या होता? हाँ भाई सुअर तो पैक किए इसके अंदर दिख रहा हो। आप लोग सुअर को क्या बोलता? चकमा होता? हाँ ओप ओप। सुअर को पैक करके ले जा रहे हैं भाई बिल्कुल पेटी। सुदीप ने भेजा। तो अभी आया हूँ मैं उस भाई के मामा की दुकान पे, इनका यहाँ पे शॉप है स्वीट्स का। क्या नाम आपकी दुकान का? बसंती स्वीट्स। नाम बड़ा अच्छा इसलिए बताया मैंने। और ये भी बंगाली है। और यहाँ पे मतलब त्रिपुरा के अंदर जितना भी बड़ा शहर होता है यहाँ पे बंगाली ज्यादा होता ना?
ट्राइबल कम मिलेगा। त्रिपुरा कहने को ट्राइबल स्टेट है, लेकिन जितने भी बड़ी सिटीज हो गए, टाउन हो गए, यहाँ पे आपको सिर्फ बंगाली मिलेंगे, ट्राइबल्स मिलेंगे जो थोड़े मतलब रिमोट एरियाज हैं, गांव हैं। जब आप रोड से लिंक की तरफ दूसरी तरफ जाते हो तब आपको ट्राइबल्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ से मिजोरम बॉर्डर कितना होगा? 150 किलोमीटर। कहाँ से होके निकलना पड़ेगा? जम्पोई। तो मामा जी का है यहाँ पे मिठाई का दुकान, तो मिठाई खाते हैं, वही दबा के फिर निकलते हैं यहाँ से, है ना मामा? नो प्रॉब्लम। तो दादा की दुकान से थोड़ा मिष्टी खाने के बाद, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, अब थोड़ा दिमाग चालू हुआ है। और तो अपने को अब यहाँ से निकलना है पानी सागर के लिए, और पानी सागर जाने के लिए पहले जाना पड़ेगा शिवनगर रास्ते। तो इसके भी दो हैं, एक मेन रास्ता, एक शॉर्टकट वाला रास्ता। तो हम फिर जा रहे हैं शॉर्टकट वाले रास्ते से। शिवनगर का रास्ता इधर से जाके इधर राइट साइड। हाँ राइट साइड। थैंक यू। वर्किंग हार्ड नीन उमंग माँ। हाँ नाम पूछ रहा था मैं इनसे, ये यहाँ के त्रिपुरी ट्राइब के लोग हैं। शिवनगर ये रोड जाएगा। तो 3-4 किलोमीटर चलने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ एक गांव में। पर यार रोड के ऊपर व्हीकल चलते नहीं, रोड अच्छा है, उस तरफ से आने वाले मिलते हैं बस। हेलो भैया। हाँ अरे कुछ नहीं है, हम टूरिस्ट होता टूरिस्ट। दादा पानी होगा पानी। ये आप क्या पीता? खोलता दबा बोलता है, हमारा संगमा लैंग्वेज में दबाव कहता है ये। हम दबाव पी के देख सकता? हाँ देख लो, कोई बात नहीं। ये क्या है बंधु? तंबाकू। अच्छा है। हाँ जी अच्छा है। हेलो भाई, यार मैंने तू अपना दिखा रहा है। ये पूरा बेंबू बांस से बना है? हाँ जी बेंबू में। अच्छा ऐसा हर फैमिली रखता है? हाँ जी हर सगमा फैमिली में रहता है ये। अच्छा हमारे उधर भी रहता है राजस्थान हरियाणा में, लेकिन हमारे वो बड़े वाला होता है, वो पाइप वाला खींचता है ना। हाँ, वैसा हाँ, होता है। हाँ, हाँ। तभी हम ये 4 महीने के बाद आज पीता घर से निकलने के बाद। पीने में कैसा लगा भैया? अच्छा लगा, तम्बाकू अच्छा है। तम्बाकू को क्या बोलते आप लोग? अच्छा है आपका। सभी लेडीज वगैरह भी पीता ये? आपका लेडीज भी पीता है भैया? हाँ जी। अच्छा आप पीता? ये पीता? हाँ जी पीएगा। पियो 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 पियो, इधर का ले, इनको देखता। हेलो हेलो ठीक है। नान निमुंग मा। नान निमुंग मा मतलब क्या होता? निमंग माँ क्या? नहीं समझता? नहीं समझता। अच्छा त्रिपुरी के अंदर ना निमंग माँ का मतलब होता आपका नाम क्या होता? ऐसे आपके भाषा में कैसे पूछता? आपका नाम तो बिंदुला शक्मा है ना क्या? बिंदुला शक्मा। अरे तुम्हारा नाम की? तुम्हारा नाम की, ये तो बांग्ला हो गया। और नाम की? तुम्हारा नाम की, बांग्ला जैसा ही है ना। हाँ और आंटी खींच रही होगा। आंटी हमारा टर्न आ गया। थैंक यू। यहाँ से शिवनगर कितना दूर बसता? 4 किलोमीटर। 4? ओनली 4? ओके ठीक है चलता बाय। और यहाँ पे लोगों का टाइम पास देखो भाई कैसे चल रहा है, ताश खेल रहे मेरे हिसाब से या कोई और गेम है देखते हैं। अच्छा लूडो खेलता? ये फ्री वाला लूडो होता है या पैसे वाला? फ्री वाला। लूडो के लिए भी लोग बैठे हैं आसपास देखने के लिए। शायद गांव में एक के पास ही फ़ोन है, बाकियों के पास फ़ोन नहीं है बेचारों के पास, तो देख देख के काम चला रहे हैं अपना। तो शिवनगर अपना यहाँ से 4 किलोमीटर बचा है। कोई ना सूरज अब तक वहीं पर, लिफ्ट नहीं मिला तो भी चल जाएगा काम। हैवी ड्राइवर है, टांग नहीं आती फिर भी अंदर से डाल के डंडे की कैंची। हेलो कुमनो फिलोंग। नो रिस्पॉन्स। कुमनो फिलोंग ये कैसे समझेगा यार? ये क्या होता? क्या होता? 30 रुपया। एक का 30 रुपया? नहीं नहीं तो 100 किलो 300 रुपया। 300 रुपया ओके। ये चीज क्या होता ये? हाँ हाँ कितना? इसको क्या बोलता? सुकी। सुकी मछली होता? मछली। अच्छा अच्छा मछली। हाँ ये तो मछली दिख रहा है यहाँ का, इसका अच्छा है।
शॉपिंग सेंटर ऑफ द विलेज। बैग में क्या है? बैग में हमारा सामान है। सामान देखा रे, किधर जा रहा है? हम घूमता टूरिस्ट, समझा? अच्छा, ये हमारा टेंट है सोने के लिए, इसमें कपड़ा है, खाने का सामान है। कैमरा है ना? हाँ हाँ। किस लिए? ये आप जैसे लोगों का वीडियो बनाने के लिए। अच्छा होता? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं? कोई गलती नहीं, नो प्रॉब्लम, बाय बाय। भाई गांव वाले बड़े सस्पिशियस से हो रखे मेरे को देख के, भाई गांव वाले बड़े सस्पिशियस से हो रखे मेरे को देख के। बैग में क्या है, हाथ में क्या है, छोटे वाले बैग में क्या है, जेब में क्या है, क्योंकि यहाँ पे इतना टूरिस्ट वगैरह आते नहीं लोग, और ये डरते हैं यार, सामने आके भाग जाते हैं। ऐसे ऐसे सीन हुए मेरे साथ, रात को भी तो वही हुआ ना, तभी उन्होंने त्रिपुरन फोर्स को बुला लिया था। ये थोड़ा लोचा है यहाँ पे, मतलब इन लोगों के साथ फ्रेंडली आप जितना जल्दी नहीं हो सकते जितना गारो और खासी लोगों के साथ में हो गया था मैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये नया एक्सपीरियंस है। हमको बिठा लेगा? कहाँ जाएगा भैया? आप कहाँ तक जाएगा? हम तो शिवनगर तक जाएगा। शिवनगर? हाँ, चलो शिवनगर तक छोड़ देता। मैं सोचा दो बंदे नहीं बिठाएंगे, ये तो दिलदार निकले। ये सब किस चीज़ के खेत होता? धान का। धान का? हाँ। तो धान के अलावा यहाँ पे क्या क्या उगता? वो खाली धान ही होता है। खाली धान? हाँ, धान। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all. भाई कुछ ऐसा सस्ता पकड़ा गया यार, लाल जूरे के लिए कोई नहीं दिख रहा, पूरा सूना पड़ा है, जंगल जंगल जंगल। ओ आखिरकार कोई दिख गया। हां ओ यार रास्ता बच जाते हम जा गेलो रे बो तुम खेदा बा मी सिलम ना। अच्छा होता हम, आप कैसा होता? हमें यही समझ में आता और कुछ नहीं आता। क्या बोलता? वो बोलता है उसका और एक घर। अच्छा, घर गुम हो गया ना? बेटी नहीं बेटी, इसमें आपका गोरु होता। हमने नहीं चुराया, हमारा बैग देख सकता है आप तन। हाँ, आपका गोरु मिल जाएगा। हाँ, शाम को घर पे आ जाएगा। तुम्हारा घर खुनानो? हमारा घर खुनानो, हमारा घर राजस्थान नोनो। बिक्री होता है? हाँ, बिक्री करता। इसमें चूड़ी चूड़ी ये जो पहनता ना आप, ये चूड़ी चा आपको चाहिए? एक ठू लेता ना, हमारा एक भी नहीं बिका सुबह से। इसमें हमारा रहने का सामान है, टेंट, कपड़ा, बर्तन। बाय बाय। ब्रिज कितना दूर होगा? मैं इधर से जाएगा, मैं भी चला। भाई छोड़ने के लिए जा रहा है यार अपने को। अच्छा, हेल्पफुल बंदा है। आपको इतना हिंदी अच्छा कैसे आता? मैं रोज टीवी देखता हूँ ना। अच्छा, टीवी देखता हो? टीवी में क्या देखता हो? जो एक्शन होता है ना फाइट, वो वाला मैं पसंद करता हूँ ना। अच्छा, राजपाल यादव के फैन हो? क्योंकि राजपाल यादव तो बहुत फाइटिंग करता ना। स्विमिंग पूल आ गया भाई सामने तो। ये होता उनका जो वो गुम हुआ था? ये ना, ये नहीं है, दूसरा का। इसके अंदर नहा सकता? नहाना है आपको? हाँ, उधर पे कर सकते हो। चलो चलता फिर उधर पे। व्यू देखो यार शाम के टाइम का, कति एंडी एक नंबर। अब नहाएगा नहीं? कहाँ पे नहाएगा? वो उधर वाला, वो वाला, और वो उसके पीछे एक और जो तालाब है, वो सभी तालाब हैं लोगों के प्राइवेट वाले, तो उनसे अगर ना आएंगे तो भी गिड़गिड़ाना पड़ेगा, फिर भी परमिशन मिले ना मिले पता नहीं। तो भाई ने सजेस्ट किया अपने को ये वाला, ये गवर्नमेंट का, यहाँ पे कोई भी ना सकता है बिंदास। यार गहरा तो बिल्कुल नहीं है, ये दिखने में लग रहा था मैं सोचा ऊपर से चला जाएगा, मज़ा आ जाएगा स्विमिंग का, लेकिन ये तो बस यहाँ तक आ रहा है घुटने तक मेरे। हाँ, इसके अंदर नीचे दलदल जैसा कुछ है, ये मिट्टी कांप वाली, बिल्कुल पैर रखते ही घुटने तक पैर तो मेरा नीचे चला जा रहा है। देखो ये काम क्या आता है? मछली पकड़ता है? अभी इसमें मछली होता? अच्छा, छोटा छोटा मछली है इसमें? अच्छा जी, मछली का तालाब है ये, मैं सोचा स्विमिंग पूल बना हुआ गाँव का। बारिश तेज हो गया ना भाई, नहा के निकला था, बारिश भी आने लग गया, पहले ही आ जाता नहाने के लिए, नहीं जाते। और फिर ये मछली सिर्फ ये घर के लिए खाने के लिए होता या बाहर में बेचता भी? बेचता भी है। बेचता भी है? ये भाई इन लोगों का चावल का खेत, चावल तो मेनली आप लोग खाने के लिए लेता होगा या बेचता भी है? ना, ये खाने के लिए, खाने के लिए होता है ना। और वो सामने सब्जी है, ये सब्जी का खेत है, ये किस चीज़ का सब्जी बोलता आप? क्या बोलता? हम तो खुजुर मुरा। खुजुर मुरा? हम घिया घिया।
ये भी खाने के लिए यूज में होता है क्योंकि बेचने जितना होता नहीं है। बेचने के लिए मेन बिजनेस इनका मछली बेचने का ही होता है। घर के सामने अपने अपने पर्सनल तालाब बनाए रखते हैं, वहाँ पे मछली पालते हैं, नहाते हैं बच्चे गाँव के उसी जगह में। केबा नाचोन दीदी, यहाँ पे लोग बोलता क्यों नहीं है? हम बंगाली बोला केबा नाचोन फिर भी नहीं बोलता। डरता है क्या हमसे? हाँ। क्यों डरता है हमसे? डरना तो हमको चाहिए ना, हम अकेला आ रखा है तुम लोगों के इधर ना। बच्चा उठा ले गया। बच्चा उठा ले गया? अच्छा ऐसे सोचता है हम बच्चा उठाने वाला होगा। भाई बता रहे हैं कि ये जो ब्रिज है ये सिर्फ एक साल पहले बना है, उससे पहले आने जाने का रास्ता सिर्फ यहाँ से लोग अपना छोटा छोटा पर्सनल बोट रखता, जो मतलब डेली का भाड़ा अफोर्ड नहीं कर सकता या फिर जो कर सकता वो बड़ी वाली बोट के अंदर चला जाता था। हम पूरे देश में घूमता, समझता आप भाई? लोग ऐसे हैं यहाँ पे, आप पे बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, शक करते हैं ये बंदा कहाँ से आया है, क्यों आया है। बाकी नॉर्थ ईस्ट में ऐसा ज़्यादा नहीं होता, बंगला लोग ज़्यादा अवेयर होते हैं कि बाहर वाला बंदा हमारी बस्ती में क्यों आ गया, ये जानने की कोशिश करते हैं। बाकी नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी चले जाओ, ट्राइबल्स लोग के पास यहाँ पे किसी को आपसे कोई मतलब नहीं, जहाँ पे भी घूमना है घूमो बिंदास। हाँ राजस्थान। तो अभी हम लोग गांव से निकल के बाहर मेन रोड के ऊपर आ गए और लालजूरी के लिए रास्ता ये वाला जाता है। भाई ओला के ब्रिज से आगे मैं आपको रोड तक छोड़ के आता हूँ, भाई भी साथ में आ गया। लालजूरी तक छोड़ेगा? सामने। थैंक यू। तो लालजूरी के लिए लिफ्ट मिल चुका है अपने को। एवेंजर I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. तो पहुंच तो चुके हैं हम लालजूरी में, लेकिन आगे पानी सागर जाने का मेरा प्लान कल था, लेकिन अभी क्या करूँगा यार मैं इस रास्ते के ऊपर जाके, कल सुबह वापस कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो भाई साहब ने मेरे को ड्रॉप कर दिया था लालजूरी के अंदर, और यहाँ पे दादा के पास आया था मैं खाना खाने के लिए, और यहाँ पे खाने का 40 रुपये हुआ। और अपना हालत दिखाता हूँ क्या रखता है, 20-30 ये छुट्टा मिला के हो गया पूरा 40। चलो दादा 40 रुपीज़। हाँ ठीक है, होता होता अभी पूरा होता 40 है, देख लेता। डन। तो देख लो यार मेरा आज का टोटल दिन का बजट था लगभग 90 रुपीज़। ट्रैवलिंग में इतना पैसा नहीं लगता है जितना लोग सोचते हैं, बिना पैसे की भी अगर ट्रैवलिंग करना हो तो रियल में हो जाता है। तो अभी यहाँ से जाऊँगा मैं पेट्रोल पंप के, पेट्रोल पंप कितना दूर होता था दादा? 1-2 किलोमीटर होता है नज़दीक में ही? नहीं नहीं 10 मिनट। 10 मिनट ओके। तो पेट्रोल पंप पे जाके लगाएंगे अपने टेंट, और आज की वीडियो करते हैं यहीं पे फिनिश। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा।